ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है धनु राशि वालों के लिए जून का मध्य काल कैसा रहेगा। जून का मध्य का समय जो है विशेष तौर पर ग्रहों के विशेष परिवर्तन का इशारा कर रहा है, बड़े विश्व ग्रहों के परिवर्तन का योग बना रहा है और साथ साथ कई उत्सव ऐसे उपस्थित कर रहा है कि जो अनेक प्रकार की मनोकामनाओं को सिद्धि का अवसर प्रदान करने वाले हैं। शनि महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, अपनी गति में परिवर्तन करने वाले हैं, सीधी जाल चलते हुए वक्र गति को प्राप्त कर रहे हैं और कई अनुसार ग्रहों के अनुसार से लोग बता रहे होंगे आपके लिए कष्ट के योग बना रहे हैं, लेकिन हमारे अनुसार से ये योग आपके लिए बहुत लाभकारी स्थिति बनने वाले हैं। जो धनु राशि वाले एक बार कई बार कंप्लेंट करते हैं, हम पढ़ते भी हैं उनके कमेंट्स के अंदर कि शायद धनु राशि वालों के लिए कुछ शनि महाराज कर ही नहीं रहे हैं, अब वक्र गति में होकर शनि महाराज और शक्ति संपन्न हो जाएंगे और आपको कार्यों को पॉजिटिव वे में से करने के योग बना लेंगे। बस आपको थोड़ा मोटिवेट होना है। देखिए, एक बार समस्या क्या चल रही है कि शनि महाराज आपकी साढ़े साथी तो खत्म हो गई, लेकिन शनि महाराज कहाँ आ गए, आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है और वहाँ शनि महाराज थोड़े क्या होते हैं, पराक्रम में थोड़ी कमी ला देते हैं, लेकिन अपने घर के हैं तो इसलिए अब वक्र गति को प्राप्त कर रहे हैं तो और ज्यादा शक्ति संपन्न हो जाएंगे। अपने आप को मोटिवेट करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सही समय बिल्कुल अनुकूल है, कोई दिक्कत नहीं, और ये जून के मध्य भाग में तो आपके लिए कई पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनने वाले हैं। लेकिन सूर्य का परिवर्तन भी होने जा रहा है। सूर्य आपके सप्तम भाव में आएंगे और ये परिवर्तन जैसी होगा आपके अंदर थोड़ा सा एग्रेसिवनेस बढ़ा देंगे, थोड़ी झिझक बढ़ा देंगे, थोड़ी सी अंदर से झीक उत्पन्न करने के योग बना देंगे, गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो बहुत बढ़िया से प्राप्ति के योग बन जाएंगे। और एक तो बहुत सुंदर योग बनने वाला है, उस समय में कुछ खास मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं और आपकी राशि के अनुसार से कौन सा मार्ग आपके लिए प्रशस्त रहेगा वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आपके बच्चों की उन्नति, आपके जीवन में उन्नति, आपकी नौकरी में उन्नति, आपके आपके परिवार में उन्नति, आपके कष्टों का दूर होने का कैसा अवसर प्राप्त होगा, एक गुप्त बहुत सुंदर योग बनने वाला है वो भी हम आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो के अंतर्गत। तो इस वीडियो में आप बहुत चीजों को सावधानी के साथ सुन लीजिएगा, कौन सी तिथि में कैसा योग आपके लिए बनने वाला है ये हम विशेष तौर पर बताते हैं आपको। और बहुत सारे लोग हमारे साथ लगातार जुड़े भी रहते हैं और उन सबके लिए बहुत सारे कमेंट भी देते हैं, हम हमारे चैनल पर आकर बहुत आश्रम पे भी जुड़ते हैं और उन सबके जीवन में कल्याण के योग बनते हैं। आशा करते हैं आपके लिए भी ये समय शुभ रहेगा और आपकी राशि के अनुसार से हमें दिखाई भी दे रहा है। तो डेट वाइज समझ लीजिए कैसा रहेगा ग्रहों की गणना के अनुसार से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 जून की, तो 11 जून का पंचांग क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रविवार का योग है और मीन राशि में चंद्रमा का पदार्पण सुबह सुबह हो रहा है। मीन राशि में चंद्रमा का पदार्पण आपके लिए बहुत शुभ योग बनाने वाला है और सुबह 8:49 पर जैसे परिवर्तन होगा ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में रविवार का अवसर, अष्टमी का तिथि और साथ साथ ये बड़ी सुंदर है। ऐसे में माँ भगवती के लिए अष्टमी, जो दुर्गा जी के लिए रविवार का दिन प्रशस्त होता है, अष्टमी भी उनके लिए संबंध रखती है, तो ऐसे में विशेष तौर पर उनके मंत्रों से उनकी आराधना करें, उनके निमित्त थोड़ा सा यज्ञ करें। हमारे आश्रम पे तो यज्ञ होता ही है रविवार के दिन, तो उस यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। नित्यपति के यज्ञ में तो नहीं हम किसी को आज्ञा देते हैं, लेकिन रविवार वाले दिन सुबह 8:00 से 10:00 तक सब लोग यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं और उस दिव्य यज्ञ में बैठकर माँ भगवती का चमत्कार अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो आप भी सम्मिलित होइए उसके अंदर। खैर, तिथि जो है वो आपके लिए बहुत शुभ है, लाभ की स्थिति बनाने के योग बनाएगी, सुख का पदार्पण करने के योग बनेंगे। ऐसे में कोशिश ये करें थोड़ा सा खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए, बेकारी खर्चों से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये ग्रह आपके लिए अनुकूल स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में लाभ की स्थिति बन सकती है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है इस दिन। कुछ नया कार्य आरंभ करना हो तो दोपहर को करीब करीब 2:32 से ही सर्वार्थ सिद्ध आरंभ होगा, रात्रि पर्यंत रहेगा, इसका लाभ ले सकते हैं। केवल एक बात का ध्यान रखें कि केवल राहुकाल से बचेगा, शाम को 4:30 से 6:00 तक राहुकाल रहेगा, उससे आपको बचना है और बाकी समय आपके लिए सर्वार्थ सिद्ध योग का उचित है नया कार्य आरंभ करने के लिए। यदि हम बात करें 12 जून की, तो 12 जून को सोमवार का अवसर है, नवमी तिथि है और भगवान शिव का ध्यान करते हुए दिन का आरंभ करें, शिव का अभिषेक करें, थोड़ा सा दूध लेकर। देखिए, दिन में अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, आपके अनुकूल, आपके मेहनत के अनुकूल आपको फल प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और विशेष तौर पर आपको अपने संतान का ध्यान रखने का प्रयास करना है, संतान के साथ बेकार बातों में अड़ना नहीं है और यदि बुद्धि को स्थिर रखेंगे, राहु महाराज बुद्धि में बैठे हुए हैं, ये बुद्धि में कई प्रकार की, जैसे शनि जड़ता देता है वैसे ही जड़ता ये भी प्रदान करते हैं। शनि महाराज ऊपर से देख भी रहे हैं बुद्धि वाले स्थान को, तो जड़ता को हटाइए, बृहस्पति को वहां काम करने की स्थिति दीजिए, तिलक लगाइए अपने अपने माथे पर,
हल्दी का या केसर का केलस्तर का सेवन करें, ज्ञान का उदय करें। यदि ज्ञान में थोड़ी सी कहीं झिझक उत्पन्न हो रही है तो किसी विद्वान से कंसल्ट कर काम करने का प्रयास करें, आपके लिए स्थिति अच्छी बन सकती है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 13 जून को ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि उस दिन मंगलवार का अवसर है और साथ साथ पंचांग के अनुसार से उस दिन दशमी तिथि विद्यमान है। दशमी तिथि मंगलवार का अवसर और साथ में चंद्रमा का परिवर्तन, दोपहर को चंद्रमा का परिवर्तन होगा 1:32 पर और बृहस्पति के साथ जाते ही वो गजकेसरी योग बना लेंगे, लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे, विचार के द्वारा लाभ की स्थिति बनेंगे और विशेष तौर पर मन और विचार और ज्ञान एक होकर विशेष तौर पर कई जगह जब एकत्र हो जाता है तो लाभ की स्थिति उत्पन्न कर देता है, तो ये शुभ तिथि है आपके लिए। सुबह का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है क्योंकि उस दिन भद्रा विद्यमान है, 9:28 तक रहेगी, तो नया कार्य आरंभ करने के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके बाद नया कार्य आरंभ करें क्योंकि शाम को दोपहर के समय में सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान हो जाएगा, 1:32 से लेकर रात्रि तक रहेगा, तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। यदि हम आगे बात करें 14 तारीख की, तो 14 जून को विशेष तौर पर बुधवार का अवसर है और उस दिन एकादशी तिथि है, आषाढ़ मास की विशेष तौर पर कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और ये भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अद्भुत है। ग्रहों का योगा योग आपके लिए आज भी लाभ की स्थिति उत्पन्न कर रहा है और विशेष तौर पर पॉजिटिव कार्यों को करेंगे तो बहुत बढ़िया से लाभ की स्थिति बनेगी, इसलिए मन को एकाग्र करते हुए हिम्मत को जगाकर काम करने का प्रयास करें, अकेले नहीं लोगों को मिलाकर काम करने का प्रयास करें। पहले स्थिति ऐसी रहेगी कि आपको लगेगा अनुभव कि आप अकेले ही हैं, लेकिन जैसे ही कार्य करने आरंभ करेंगे तो बहुत सारे विशाल हृदय वाले व्यक्ति आपका सहयोग करने के लिए स्थिति बनेंगे, लेकिन सारी की सारी इस बात पर है कि आप पहला कदम कब उठाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। मंगल कमजोर है, पहला कदम उठाने में ही दिक्कत है, उठाइए, लाभ की स्थिति अवश्य बनती दिखाई दे रही है। एक बात का ध्यान रखिएगा, योगिनी एकादशी है, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, चावल का त्याग करना चाहिए, भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें और उनको उनका पंचामृत से स्नान कराने के उपरांत उनका चरणामृत ग्रहण करें, आशीर्वाद प्राप्त होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और अनुकूलता प्राप्त होगी आपको। अब आप बात कर लेते हैं 15 तारीख की, 15 तारीख के ग्रह की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है परिवर्तन का योग और तिथि बड़ी शुभ है। इस दिन संक्रांति भी है, बुध की राशि मिथुन में सूर्य प्रवेश करेंगे शाम को 6:16 पर, उस दिन प्रदोष है और सप्तमी त्रयोदशी शाम को विद्यमान है, द्वादशी सुबह सुबह विद्यमान है और साथ साथ बृहस्पतिवार है। बुध जो गुरु प्रदोष जो योग बनता है वो बड़ा कल्याणकारी होता है ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, जो संतान जो लोग विद्या के क्षेत्र में पूरी तरह से बुद्धि में कहीं कमजोरी आ रही की स्थिति बनती है, तो ऐसे में भगवान शिव का विशेष तौर पर गन्ने के रस से अभिषेक करने से कहा जाता है कि मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं और बुद्धि के संबंध में विकास के अद्भुत योग बन जाते हैं, तो ऐसे में भगवान शिव का ध्यान करते हुए शाम के समय रुद्र अष्टाध्यायी के विशेष तौर पर रुद्र सूक्त के द्वारा नमस्ते रुद्र मन्ने वा उतो तई खवे नमः बाहुभ्या मुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनुर घोरा, ऐसे रुद्र सूक्त के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें, नमः शिवाय का जप करते भगवान का अभिषेक करें, कल्याण के योग बनेंगे। संक्रांति है, बृहस्पतिवार है, तो कोशिश करें, गजकेसरी योग विद्यमान है, ब्राह्मणों के निमित्त बृहस्पतिवार है ना, तो ब्राह्मणों के निमित्त कुछ गऊ के निमित्त दान पुण्य करें, देखिए बहुत सुंदर योग बनेंगे आपके लिए। एक बात का ध्यान रखें, चंद्रमा का परिवर्तन शाम को होगा और वो शाम को कष्ट देने के योग बन सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ज्यादा धूप से बचते हुए कार्य करें, अन्यथा स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव अच्छा नहीं हो सकता। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भगवान शंकर का ध्यान करें, उनके निमित्त मंत्र जप करें, बहुत जरूरी है क्योंकि चंद्रमा क्षीण अवस्था में जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं 16 तारीख की, 16 जून को विशेष तौर पर चंद्रमा थोड़े कमजोर है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए आपको, खर्चों का ध्यान रखना चाहिए, शत्रुओं का ध्यान रखना चाहिए, कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उस दिन सुंदर तिथि है, मासिक शिवरात्रि है, शुक्रवार का अवसर है और महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए एक दिव्य उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। भगवान शिव पर इस शिवरात्रि पर विशेष तौर पर बिल्व के पत्र अर्पित करें, अखंड बिल्व पत्र जो खंडित ना हो, शुद्ध हो, छोटे हो, कोमल हो, ऐसे बिल्व पत्र भगवान को अर्पित करेंगे तो कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम, इस शुभ योग में बड़ा सुंदर योग बनने वाला है। कहा जाता है त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम, ओम नमः शिवाय का जप करते भगवान शिव पर बिल्व पत्र अर्पित करें। ये तिथि विशेष तौर पर एक संबंध बात करें, इस बात को समझें धनु राशि वालों कि ये स्थिति विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि नए कार्यों को गति प्रदान करने के लिए अशुभ है क्योंकि भद्रा विद्यमान है, सुबह 8:34 से लेकर रात्रि में 9 बजे तक रहेगी, तो नए कार्यों में बुद्धि ना लगाएं, जो चलते हुए कार्य हैं उनको उसी रूप से करने का प्रयास करें, कोई शुभ मुहूर्त नहीं रहेगा। यदि 17 जून की हम बात करें तो 17 जून को शनिवार का अवसर है और इस दिन शनि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शनि का गति में परिवर्तन होना बहुत विशेष है,
ये शनि का परिवर्तन आपके तृतीय भाव में चल रहा है और शनि महाराज जो मार्गी गति चल रहे थे अब वक्र गति में हो जाएंगे और ज्यादा अपने ग्रह को प्रबलशाली बनाते दिखाई दे रहे हैं। जब गाड़ी गाड़ी कई बार अटक जाती है तो कहा जाता है ना कि बैक गियर लगाकर फ्रंट गियर लगाकर हम गाड़ी को आगे पीछे करते हैं, तो बैक गियर बड़ी ताकत में होता है, तो रिजर्व में जब शनि रिवर्स में जाते हैं तो और ज्यादा शक्ति संपन्न हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, शनि बहुत शक्ति संपन्न हो जाएंगे, आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बना सकते हैं, लेकिन एक कष्ट हो सकता है कि आपको धर्म से दूर कर दें। धर्म से दूर होंगे तो आप समझ लीजिए शनि नित्यम योग रत हैं, नित्यम योग रताय च, यदि शनि की दृष्टि आपके धर्म भाव पर पड़ रही है, भाग्य पर पड़ रही है, तो वो अशुभ है। इसलिए भाग्य को जगाने के लिए धर्म कार्यों से अपने आप को दूर ना करें, इस बात का ध्यान रखना आपको परम आवश्यक है, अन्यथा कष्ट की स्थिति बन सकती है। अमावस्या की तिथि है, कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य करें, उनका तर्पण करें, बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे। उड़द की दाल का दान करना आपके लिए बहुत शुभ है। 18 जून की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है, रविवार की अमावस्या विशेष तौर पर कई कार्यों के लिए बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन पीपल का पूजन, पीपल के पास नहीं जाना चाहिए, पीपल का दर्शन नहीं, पीपल का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है यदि इस दिन पीपल का दर्शन करें, उसका स्पर्श करेंगे तो अलक्ष्मी के रूप में मां भगवत मां लक्ष्मी प्राप्त हो जाती हैं, तो इससे ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन विशेष तौर पर गौ का पूजन करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस दिन जो परिवर्तन है वो विशेष तौर पर चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है, सुबह सुबह 5 बजे के आसपास चंद्रमा का परिवर्तन होगा, ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, आपके अंदर मोटिवेशन का उदय होगा, बहुत सारी बातें आपको ज्ञान के स्वरूप में प्राप्त होने के योग बनेंगे और बहुत सारी इंट्यूशन से आप लाभ ले सकते हैं, पूर्वाभास जैसी आपको चीज प्राप्त हो सकती है और वो आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने का अवसर आपको प्रदान कर सकती है, तो इसका लाभ आप लेने का प्रयास कीजिए। 19 तारीख की हम बात करें तो तिथि बहुत शुभ है, उस दिन गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं और ये गुप्त नवरात्रे आपके लिए बड़े कल्याणकारी योग बनाने वाले हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और उसी दिन चंद्र दर्शन और उस दिन से गुप्त नवरात्रे का आरंभ, ये बहुत सुंदर योग है, सोमवार का अवसर, इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके अनुकूल है, लाभ की स्थिति बना रहे हैं और आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव फीलिंग्स का चेंजेस स्वयं महसूस कर पाएंगे, ऐसा योग भी बनता दिखाई दे रहा है। तो अपने आप को मोटिवेट करें, काम में लगें और साथ साथ माँ भगवती की प्रार्थना अवश्य करें। गुप्त नवरात्रे बड़े चमत्कारी होते हैं, कहा जाता है कि माँ भगवती की प्रार्थना गुप्त रूप से करने का प्रयास करना चाहिए, इसीलिए आषाढ़ के नवरात्रों का नाम गुप्त नवरात्रा रखा जाता है। ये गुप्त नवरात्रे मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत प्रकार से शुभ योग बनाते हैं, ऐसे में किया गया कर्म कई गुना अधिक लाभ देता है। तो ऐसे में माँ भगवती के निमित्त दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ, माँ भगवती के विभिन्न मंत्रों का पाठ, भगवती के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान, दशमहाविद्या के अंतर्गत आने वाली विभिन्न स्वरूपों का जो ध्यान किया जाता है, उसके द्वारा जो ऐसे कर्म हैं, ऐसे विशेष तौर पर कष्ट हैं जो बहुत भयावह हैं, चाहे वो मुकदमे हैं, चाहे वो शत्रु से संबंधित समस्या है, चाहे वो प्रमोशन संबंधी समस्या है, चाहे पारिवारिक समस्या है या वो संतान संबंधित कोई समस्या है, तो उन सबको दूर करने के लिए माँ के विभिन्न अनुष्ठान शास्त्र में वर्णित है और उन गुप्त नवरात्रों में उनको किया जाता है। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में दुर्गा सप्तशती का सुंदर यज्ञ रखा है, तो आप भी उसमें अपनी आहुति प्रदान कर सकते हैं और उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं, उसके लिए नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अपने योगदान को, अपने समस्त जानकारी को उस नंबर से ले सकते हैं, आपके लिए सुंदर योग बनेगा। यदि हम 20 जून की बात करें तो 20 जून को मंगलवार का अवसर है, ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, ग्रहों का योगा योग परिवर्तन जो है उससे आपको सावधान रहना चाहिए। चंद्रमा का परिवर्तन जो होगा वो कर्क राशि के साथ में जाएंगे, वहाँ मंगल पहले से विद्यमान है और ऐसे में एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं आप लोगों के साथ कुछ झगड़ा ना कर लें, अननेसेसरी की लोगों को एडवाइस ना दें, इस बात का ध्यान रखिएगा, कई लोगों को बेकार आपकी एडवाइस जो है बुरी लग जाए और उनसे आपके मतभेद उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाना चाहिए। वैसे तिथि बड़ी शुभ है, मनोरथ द्वितीया है, गुप्त नवरात्रों का योग चल रहा है, आशा करते हैं इसका आप पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन बुध अस्त हो रहे हैं, ये बुध अस्त होने से क्या होता है, सामाजिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में बुद्धि थोड़ी सी कम काम करती है, ऐसे में इसका लाभ आपका उपाय यही है कि गौ के निमित्त पालक का दान करें, यह आपकी राशि के अनुसार से बड़ा अनुकूल उपाय रहेगा, इसको करने से लाभ की स्थिति बन सकती है। और हमने गुप्त नवरात्रि पे जैसा आपको कहा कि विशेष यज्ञ रखा है, आप सब भी इसमें सम्मिलित हों और अपने निमित्त उस यज्ञ में आहुति प्रदान करें, आप सहयोग प्रदान करें, अपने निमित्त यज्ञ के लिए विशेष तौर पर स्थान आरक्षित करने का प्रयास करें, विद्वान पंडितों की सुंदर व्यवस्था है, आपके नाम से जो जो आप बिठाना चाहें तो उन पंडितों को आप संकल्प देकर आप
अपने नाम से यज्ञ में बिठा सकते हैं। उसके लिए समस्त जो कार्य की व्यवस्था है इन नंबर्स पर, जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर फोन कर आप अपने आरक्षण की स्थिति को आरक्षित करने के लिए स्थान को आरक्षित करने के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था बना सकते हैं। धन्यवाद।